मधु की शहद की व्यवस्था करता है। हर जीव में अपनी अपनी एक विशेषता है, एक एक अलग अलग गुण है। किसी भी जीव को हम देख सकते हैं, किसी भी पक्षी को देख सकते हैं, इसके बावजूद भी इस सृष्टि में जो परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ रचना है वो मानव की रचना है, मनुष्य की है। हमारे ऋषि मुनियों से जितने भी हमारे महापुरुषों हुए कहते हैं कि मानव का जीवन पाने के लिए भगवान भी तरसते हैं, ऐसा अपने बहुत से महापुरुषों ने। ये हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है यदि क्लास में कोई प्रथम आ जाता है 40 बच्चों में या 100 बच्चों में या प्रांत में, गौरव होता है, कितनी अनुभूति होती है। हम तो 84 लाख योनियों में प्रथम हैं, मानव जीवन की जो रचना परमात्मा ने हुई थी, हमारे लिए कितना गौरव की बात होनी चाहिए, कितना हर्ष। इससे बड़ा उपकार परमात्मा का भाव, समर्पण का भाव। जब परमात्मा ने हमें श्रेष्ठ रचना दिया और कर्म करने के लिए हमें स्वतंत्र किया, ये भी नहीं कि लगभग जितने भी जीव हैं इस सृष्टि के अंदर सब कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, परमात्मा ने उस पर अंकुश लगा के रखा। स्वामी जी बार बार बताते रहते हैं, मनुष्य स्वतंत्र है, शराब भी पी सकता है, दूध भी पी सकता है, मांस भी खा सकता है, शाकाहारी भी रह सकता है, लेकिन हर जीव अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। हम इसलिए स्वतंत्र हैं कि हम सृष्टि के अच्छे अच्छे जो पदार्थ हैं उनका भी भोग कर सकते हैं, जो हमारे लिए हमारे राष्ट्र के लिए।